नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 10.2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 9। किसी सिन्हा का सलूशन आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3 प्लस 2 आई और है आपका 3 माइनस 2 आई। देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन फार्मूला पर है, ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस माइनस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2i के होल स्क्वायर। तो 3 3 का 9 हो गया माइनस, ये देखिए 2 2 4 हो गया 2 के स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, तो हो जाएगा 9 और प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर 13। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन गया, 13 आंसर आ गया। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन आपका जो है ये कि इसको जो है ए प्लस आई के रूप में व्यक्त करना है, तो उस तरह से आपको लिखने के लिए देखिए इसमें आपका सिर्फ ये हो गया 13, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं 0 × i। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा कीजिएगा आई में, फिर 0 हो जाएगा आपका, तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था 9 का। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका i − 2 के होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनाएंगे, तो हो जाएगा i² + 2 ² − 2ab, तो 2 हो गया × 2 हो गया × i हो गया, तो हो जाएगा −1 आप प्लस 2 2 4 −4i हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 − 4i आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है ये सब। ठीक है, अब देखिए और आपको हम बता देते हैं इसमें से एक ही बार और क्वेश्चन बता देते हैं 5 नंबर। अब आपको देखिए 9 नंबर के 5 नंबर देखिए, 9 का 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 + i 1 − i या पूरा क्या है ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हर परमीकरण कर देंगे यहाँ पे, तो 1 + i / 1 − i है, तो गुणा करेंगे 1 + i, ठीक है, और 1 + i आप पूरा के होल स्क्वायर, तो देखिए 1 + i² 1 + i² और फिर इसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का स्क्वायर तो है ही, और ये a² − b² तो वो 1 के स्क्वायर − i² तो वो 1 के स्क्वायर + i² + 2i और नीचे आपका हो जाएगा 1 − 1, क्योंकि i² − 1 तो +1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये आपका, और फिर पूरा के स्क्वायर। अब देखिए i² − 1 तो ये आपका कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा ऊपर 2i और नीचे बच जाएगा 2 पूरा के स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया i² बचा यहाँ पे आपका। अब i² का मान क्या होता है, -1, तो हम इसको लिख सकते हैं −1 + 0 × i, इस तरह से ये आपका बन गया। चलिए अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर दस में सिर्फ आपको i के कमाल दिखाना है। ठीक है, तो देखिए आपको आइडिया बता रहे हैं, i⁴n आपका क्या होता है, 1 होगा, i⁴n + 1 आ गया, तो ये आपका जो है i होगा, आप याद रखेंगे i⁴n, ठीक है, आप +2 अगर आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि इसका मान -1 होगा, i⁴n आ गया आप +3 आ गया, ठीक है, तो इसका मान -i हो जाएगा। ये आप रूल जो है याद रखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन कोई भी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं 10 नंबर का 2 नंबर एक बार। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 है आप +i है, i⁴10 है, प्लस फिर i है, और i⁴ आपको 110 है,
और फिर प्लस है और आई के पावर आपका कितना है तो 1000 है, ठीक है 1000 है। बनाने का तरीका समझिए कैसे बनाना है, लिख सकते हैं आप 1 + i² स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करके इसको 5 कर दीजिए प्लस 110 है, लिख सकते हैं इसको आप i² और यहाँ पे आप 55 भी लिख सकते हो, ठीक है प्लस i² 1000 है लिख सकते हो i² और पावर कितना सॉरी आप इसको 5 से लिखोगे ना प्लस लिख सकते हो i² और यहाँ पे लिखना है आपको अब 500 क्योंकि 500 में 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 1000। ये हो गया आपका 1 + i² का मान -1 तो -1 के पावर कितना तो 5 प्लस -1 के पावर कितना तो 55 प्लस -1 के पावर 500, ठीक है तो ये 1 हो गया, ये विषम है तो -1 होगा आपका यहाँ पे वैल्यू, ठीक है और ये भी आपका विषम है तो ये भी -1 होगा आपका वैल्यू और ये सम है तो ये आपका प्लस होगा वैल्यू, ठीक है तो प्लस वाला 2 हो गया, ये भी आपका जो है सब कट जा रहा है -, -, -, तो 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं 4 नंबर, इसमें के 4 नंबर देखिए है i^17 है -1/i है और पावर आपका इसका कितना है जी 34 है, इसका पावर आपका 34 है, ठीक है और पूरा के पावर जो है स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है 4 नंबर में। अब आप लिख सकते हैं i^ जो है लिख सकते हो i^ i² लिख सकते हो 8, 8 × 16 हो गया, एक y इसमें जोड़ देंगे तो 17 हो गया माइनस, ठीक है ये 34 है, ठीक है 34 है आपका तो इसको लिख सकते हो 1/i², ठीक है आप पूरा पावर कितना तो 17 लिख सकते हो, आप पूरा के पावर अभी स्क्वायर आपका दिया हुआ है ये है 2, तो ये i² -1 8 करना है तो ये हो जाएगा आपका i, यहाँ पे i है तो ठीक है और ये आपका हो जाएगा -, -, +i² और 17 है तो माइनस ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है तो ये पूरा का फिर स्क्वायर करना है तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे तो -i के होल स्क्वायर +1 के स्क्वायर और +2y तो ये -1 हो जाएगा तो ये को कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा 2y आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है और देखिए i^-35 सोचते होंगे कि कैसे बनेगा, बता देते हैं 7 नंबर अब आपको एक ही बार देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है i^ जो है -35 है तो आप लिख सकते हैं i^ जो -35 दिया है तो 1/i^ पहले 35 आप लिख सकते हो, लिख सकते हो 1/i^ 4 × 3 4 × 8 8 × 32 8 प्लस 32 3 हो गया तो 4n + 3 वाला आपको फार्मूला यहाँ पे लगा देना है तो प्लस 3 वाला आपको हम अभी फार्मूला बताए थे क्या होता है, ठीक है वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर देना है आपको तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 + 3 तो आई होगा माइनस तो यहाँ पे आपका -i हो गया, ठीक है तो i हो गया माइनस तो गुणा कर दीजिए i × i में तो हो जाएगा आपका ये नीचे i² तो i से i कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका i बच जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है तो इस तरह से ये आपका बन गया। इसी तरीके से जो है इसका क्वेश्चन जो है आपको बनाना है इसमें, ठीक है तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 12-13 जो है बताएंगे, उसके बाद से आपको 15-16 भी बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।